भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख संस्थान है। हाल ही में इस संस्थान ने बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास में अपने योगदान के 50 वर्ष पूरे किए हैं। संस्थान ने सब्जियों, फलों, शोभाकारी, औषधीय और सुगंधित फसलों में कई किस्मों का विकास किया है। इन्हें उत्तम उत्पादन तकनीकों जैसे कि जल व पोषक तत्व प्रबंधन, कीट व रोग प्रबंधन के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया है। अर्का फर्मेंटेड कोकोपीट का इस्तेमाल जब से हमने शुरू किया उसके बाद से हमारा जो 50% का नुकसान था वो नुकसान बंद हो गया और सही क्वालिटी का मिल रहा है। डिमांड के आने से हमने एरिया को 3 गुना हमें करना पड़ा। किसान भी खुश है और किसान के खुशी होने के कारण जिससे कि हम भी खुश हैं। हमने एकलव्य नर्सरी की शुरुआत सन 2000 में की थी। IIHR की मदद से हमने अपने नर्सरी में कोकोपीट के साथ अर्का फर्मेंटेड कोकोपीट का भी इस्तेमाल किया। AFC के इस्तेमाल से हमें अच्छा परिणाम मिला है। इससे हम किसानों को बेहतर गुण वाले पौध देने में कामयाब हुए हैं। अर्का फर्मेंटेड कोकोपीट के इस्तेमाल से किसानों को कम कीमत में यानी 60 पैसे में एक पौधा देते हैं। इससे किसान भी खुश हैं और हम भी। हमने काली मिर्च में AMC का इस्तेमाल किया। 15 से 20 दिनों में इसका फर्क हमने खुद महसूस किया। एक पौधे के लिए सिर्फ 10 से 20 रुपए का खर्चा होता है। काली मिर्च की लंबाई और वजन में बढ़ोतरी होने से अधिक पैदावार मिलती है। हमें प्रति क्विंटल में 20 किलोग्राम अधिक उपज मिलती है। अब मुझे अनार के एक पौधे से 60 से 70 किलो की पैदावार मिलती है। हिरियूर तहसील में बैक्टीरियल ब्लाइट की बीमारी सबसे ज्यादा मेरे बागान में थी। इस बीमारी को रोकने में AMC से बहुत फायदा मिला है। दूसरी दवाइयाँ यानी रासायनिक दवाइयों के इस्तेमाल में 350 से 400 रुपयों का खर्च होता था। अब AMC के इस्तेमाल से ये लागत 50 से 70 रुपए है और पौधे भी अच्छे हैं। अनार में IIHR द्वारा विकसित AMC से 15 दिनों में एक बार छिड़काव करने से किसानों को 100% फायदा मिलेगा। केले के गुच्छे पर सीधे पोषक तत्व देने से नीचे से ऊपर तक एक जैसे फल मिलते हैं। एक गुच्छे से 1.5 से 2 किलो ज्यादा फल मिल सकते हैं और इस प्रकार हमें एक गुच्छे से 60 से 70 रुपए मिलते हैं। हमने एक पौधे पर सिर्फ 1.5 से 2 रुपए का खर्च किया है। ये बहुत ही अच्छी किस्म है जो किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। श्री कृष्णैया ने विजयवाड़ा में 5 एकड़ में ये किस्म लगाई है और वे बढ़ती मांग पूरा करने के लिए कलमों की संख्या बढ़ाने में जुटे हुए हैं। पौधे के फैलाव कम होने से यह सघन खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसकी पैदावार अधिक होती है, इसलिए निर्यात, घरेलू बाजार में बेचने और वैल्यू एडेड उत्पाद बनाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। यह किस्म पहले साल 5 से 6 टन, दूसरे साल 10 से 13 टन और तीसरे साल 18 टन से अधिक पैदावार देती है। 24वें महीने से फायदा मिलने लगता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र हीरेहल्ली ने 3 साल के शोध के बाद कटहल की इस किस्म को विकसित किया और इसे सिद्धू नाम दिया। कटहल की अन्य किस्मों की तुलना में इसमें कीरोटीन और लाइकोपीन ज्यादा पाए जाते हैं। इसके फांके आकर्षक और तांबे जैसे लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक फल 3 से 3.5 किलो तक होता है। CHES हीरेहल्ली प्रतिवर्ष 3 से 4 हजार गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार करता है और किसानों को देता है। इस किस्म के परिरक्षक किसान होने के नाते बेचे गए हर पौधे से हमें 75% रॉयल्टी मिलती है। पहले हमें एक पेड़ से प्रतिवर्ष 8 से 10 हजार रुपए मिलते थे, लेकिन इस वर्ष अधिक पौधों के उत्पादन के कारण संस्थान ने हमारे खाते में 50 हजार रुपए जमा किए हैं। कटहल की इस नई सिद्धू किस्म के लिए मुझे भारत में पहली बार कटहल का किस्म संरक्षक पुरस्कार मिला है। IIHR द्वारा विकसित अर्का रक्षक टमाटर 3 रोगों की प्रतिरोधी हाइब्रिड प्रजाति है। प्रति पौधे से 15 से 19 किलोग्राम की पैदावार मिलती है
और इस किस्म को उगाने से खेती की लागत में 40% तक की कमी ला सकते हैं। हमें इस किस्म से ज्यादा पैदावार मिलती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी है, इसलिए बाजार में इसकी अच्छी मांग है। एक पौधे से 15 से 20 किलो फल मिलते हैं। मैंने 1 एकड़ में अर्का रक्षक लगाया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके प्रति पौधे से 15 से 20 किलो पैदावार मिलती है। अब तक मुझे 40 टन की पैदावार मिली है, जिससे 9 लाख की आमदनी हुई है। 2 लाख का खर्च निकालने के बाद भी कुल 7 लाख का शुद्ध मुनाफा हुआ है। अभी मुझे इस फसल से 15-20 टन की पैदावार और मिलने की उम्मीद है। का टमाटर हम बांग्लादेश भेजे और कलकत्ता भेजे और अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में भेजे और अहमदाबाद, दिल्ली, आजादपुर मार्केट सब जगह में पास हो गए। गेंदे की बंगारा 2 किस्म से बहुत अधिक पैदावार मिली। एक पौधे से आमतौर पर 3 किलो से अधिक पैदावार मिलती है। मैंने फूल 130 रुपए के हिसाब से बेचा है और अब तक 1 एकड़ से 2 लाख की आय मिली। अभी और अधिक पैदावार मिलने की उम्मीद है। IIHR के अर्का कल्याण प्याज से मुझे 15 टन की पैदावार मिली है। कंद की गुणवत्ता अच्छी है और इसका आकार, रंग आदि भी बहुत अच्छा है। IIHR का वेजिटेबल स्पेशल मैं पिछले 8 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे पैदावार अच्छी मिलती है। उत्तरी कर्नाटक में, खासकर बारिश से आधारित क्षेत्रों में, जैसे बागलकोट, बेलगांव, बीजापुर, गदग, कोप्पल, बेल्लारी और धारवाड़ में प्याज की मांग बहुत ज़्यादा है। इसलिए उत्तरी कर्नाटक में IIHR द्वारा विकसित प्याज की अर्का कल्याण किस्म उगाने के लिए 40 एकड़ में इसके बीजोत्पादन की योजना बनाई। इससे हम 60 क्विंटल बीजों का उत्पादन कर सके और जब हमने इन 60 क्विंटल बीजों को बेचा तब हम 2500 एकड़ कवर कर सके। अर्का कल्याण जैसी किस्म को इतने बड़े क्षेत्र में उगाने से 30 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। IIHR की अर्का कल्याण किस्म में बीमारियों को सहने की क्षमता है। इसके कंद गोलाकार होते हैं और 1 एकड़ से 180 से 200 थैलियों की पैदावार, यानी 8 से 10 टन पैदावार मिलती है। दूसरी किस्मों में हमें सिर्फ 1 एकड़ में 5 से 6 टन की पैदावार मिलती थी। पहले मैं 1 एकड़ में प्याज उगाता था, लेकिन अब 22 एकड़ में उगा रहा हूँ। आसपास के गाँव के कई किसान हमारा खेत और फसल देखने आते हैं। अधिक पैदावार के कारण अर्का कल्याण अब हमारे इस क्षेत्र में 1200 से 1300 एकड़ तक फैला है। हमें इससे बहुत फायदे मिले हैं, इसलिए दूसरे किसान भी इस किस्म को उगा सकते हैं। सब्जी की फसलों में नीम के साबुन का घोल छिड़कने से छोटे छोटे कीटों जैसे थ्रिप्स, माइट्स, सफेद मक्खी आदि का नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे अच्छी पैदावार भी मिलती है। मैं IIHR बेंगलुरु की रजनीगंधा की किस्म अर्का प्रज्वल उगा रहा हूँ। इस किस्म में लगने वाले नेमाटोड्स को मैंने उचित तरीके से IIHR के उत्पादों का इस्तेमाल करते हुए नियंत्रित किया है। पेसिलोमाइसिस और पोकोनिया से गोबर की खाद को समृद्ध किया और इसका प्रयोग करने से नेमाटोड्स को रोक सका और अच्छी पैदावार भी मिली। IIHR के इन उत्पादों के इस्तेमाल से खेती की लागत 15,000 से 2500 रुपए हो गई है और पैदावार भी अधिक मिलती है। प्रति डंठल से मुझे 60 से 75 फूल मिलते हैं। कुल मिलाकर मुझे प्रतिवर्ष 1 एकड़ से 16 से 18 टन पैदावार मिलती है। और वहाँ से लेकर उन्होंने हमें 7 वैरायटी दी थी, उसमें साथ में प्रज्वल है, श्रृंगार है और एक कृष्णा थी, वो सारी वैरायटी दी थी। उसमें से जो सक्सेस हुई हमारे पास, ये प्रज्वल वैरायटी ज़्यादा सक्सेस हुई। इसी खेती कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख उत्पादन तो बढ़ाते हैं हर साल, घटता नहीं। मैंने 2 एकड़ में यूरोपीय खीरे की खेती के लिए IIHR की तकनीकों को अपनाया। मैंने जैविक कीटनाशक और नीम की खली से केंचुआ खाद और गोबर की खाद को समृद्ध किया। फिर रोपाई से पहले इसे क्यारियों में डाला। थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए नीम का तेल और करंज का साबुन इस्तेमाल किया।
इन तकनीकों के उपयोग से हमें प्रति छिड़काव के लिए सिर्फ 500 रुपए का खर्च किया है, जबकि रासायनिक दवाइयों के छिड़काव के लिए 1500 से 1600 रुपयों की जरूरत होती है। IIHR की तकनीकों को अपनाने से उत्पादन की लागत करीब 1,30,000 रुपए होती है, जबकि रासायनिक विधि में प्रति एकड़ के लिए 2,00,000 रुपए की लागत होती है। रासायनिक विधि से हमें प्रति पौधे सिर्फ 5 से 6 किलो की पैदावार मिलती है और फसल की अवधि 70 दिन की होती है। IIHR की तकनीकों को उपयोग करने से 90 दिनों तक पैदावार ली जा सकती है और कुल पैदावार 60 से 65 टन होती है। पहला चरण अभी खत्म होने जा रहा है। पहले चरण से 4,00,000 रुपए के खर्च से 12 से 13,00,000 रुपए की आय की उम्मीद है। मैं इस फसल से बहुत खुश हूँ। मैंने आधे एकड़ में शिमला मिर्च के लिए पॉली हाउस बनाया। रोपाई से पहले हम कंपनियों से टाई अप करके माल बेचने का अग्रीमेंट करते हैं और ये लोग हमारा माल कई देशों में निर्यात करते हैं। इसे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी बेचते हैं। हमें 1 किलो के लिए 45 रुपए मिले और कुल 6,00,000 रुपए की आय हुई। 2.5 महीने में हमने आधे एकड़ जमीन में 2,50,000 रुपए खर्च किए और अब तक हमें 3 से 3.5 लाख रुपए का फायदा हुआ। IIHR के डॉगरिज रूट स्टॉक, वाई ट्रेलिस और सब केन सिस्टम से किसानों को बहुत फायदा मिला है। वाई ट्रेलिस सिस्टम में अच्छी धूप के कारण पत्तों में पीलापन नहीं दिखता। मजदूरों की संख्या भी कम की जा सकती है। इसमें फल एक जैसे रंग के होते हैं। इन फसल उत्पादन तकनीकों को अपनाने से पैदावार 50% तक अधिक होती है और इससे फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। IIHR की डॉगरेज रूट स्टॉक, वाई ट्रेलिस और सब केन सिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काफी लोकप्रिय है। बनाना स्पेशल के प्रयोग से फल बड़े होते हैं और फलों पर धब्बे भी नहीं लगते हैं, जिससे फल अच्छे दिखते हैं और गुणवत्ता भी अच्छी होती है। मैं बनाना स्पेशल के लिए 500 रुपए खर्च करता हूं और उसके बदले मुझे 500 से 600 किलो ज्यादा पैदावार मिलती है और आमदनी भी ज्यादा होती है। IIHR बेंगलुरु की मदद से हमने डिहाइड्रेटेड प्लांट को बड़े पैमाने पर बनाया है। इसकी एक दिन की क्षमता 100 किलो से बढ़ाकर 1000 किलो की है। हम उत्पादों को मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में निर्यात करते हैं। IIHR से मैंने मशरूम और मशरूम के बीज उत्पादन में ट्रेनिंग ली और IIHR की मदद से ही 2016 में दीप्ति मशरूम बीजोत्पादन केंद्र की शुरुआत की। मुझे 1 महीने में 50,000 रुपए की आमदनी मिलती है। IIHR ने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है। मैं बहुत खुश हूँ।